हेलो एवरीवन, हियर वी आर बैक अगेन विद अवर चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2C. टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन. कल हमने सीखा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्ज नंबर्स विद 2 डिजिट. आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्ज नंबर विद 3 डिजिट मल्टीप्लायर. सेम वैसे ही करेंगे. चलिए पहले हम इसके ऊपर लिख देते हैं इसके प्लेस वैल्यूज. वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड एंड 10,000. अब हम स्टार्ट करते हैं. कहाँ से करना है? वेरी गुड, वंस प्लेस से स्टार्ट करना है. वंस को वन से, फिर वंस को ही टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, जहाँ जितने भी नंबर है. फिर ऐसे ही हम टेंस के साथ करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. 50 था 0, ये तो आपको पता ही है. 55 था 25 का 5 यहाँ और 2 ऊपर कैरी. 54 था 20 प्लस 2, 22 का 2 यहाँ और 2 ऊपर. 53 था 15 प्लस 2, 17 का 7 नीचे और 1 ऊपर. 52 था 10 प्लस 1, 11. हमारा वंस का काम ख़त्म हो गया. अब हम चलते हैं टेंस पे. जब हम टेंस पे चलते हैं तो यहाँ पर भी हम टेंस से ही नंबर लिखेंगे. वंस वाली जगह पे क्या कर देंगे? क्रॉस. ठीक है, तो 20 था 0. 2 को वैसे सारे नंबर से करेंगे वन से स्टार्ट करके. 20 था 0. 25 था 10 का 0 यहाँ और 1 यहाँ पर. 24 था 8 प्लस 1, 9. 23 था 6, कोई कैरी नहीं था. 22 था 4. अब देखिए यहाँ तक तो आपको आता ही था. अब हम जा रहे हैं 100 पे. 100 वाले को जब हम करेंगे तो हम 100 वाले नंबर से ही आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे. वंस और टेंस पे लगा देंगे हम क्रॉस. जैसे हमने टेंस के साथ मल्टीप्लाई किया तो वंस पे क्रॉस लगाया था, अब हम 100 वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वंस और टेंस पे क्रॉस लगा देंगे. और जब हमारा आंसर रहेगा तो हम करेंगे 100 प्लेस से लिखना. 10 था 0. 15 था 5. 14 था 4. 13 था 3. 12 था 2. अब देखिए हम 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका आंसर क्या आ रहा है? वही वाला नंबर. ये है हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1. हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे. जैसे हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, वैसे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ेंगे. अगर हम 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही हमारा आंसर क्या आता है? वही वाला नंबर है. जैसे 14 4, 13 3. ठीक है, अब हमने क्या करना है? तीनों को प्लस. 0 प्लस 0 प्लस 0 0. 5 प्लस 0 प्लस 0 5. 2 प्लस 0 प्लस 0 2. 9 प्लस 5 14 प्लस 7 21. आप स्लोली स्लोली भी कर सकते हैं. 21 का 2 ऊपर नीचे 1. 2 प्लस 1 3 प्लस 6 9 प्लस 4 13 का 1 ऊपर कैरी. 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9 एंड 2 एवरेजेस. तो ये हो गया हमारा आंसर. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 1, 10, 100 थ्री डिजिट्स वाले को कैसे मल्टीप्लाई करना है. तो ये हो गया हमारा 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन. नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन.